ओम श्री परमात्मने नमः। या माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। यह यानी जो माम मुझको पश्यति देखता है सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वं प्रत्येक वस्तु को, च यानी तथा मयि मुझ में पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं नहीं न यानी न नहीं प्रणश्यामी स यानी व च में न यानी नहीं प्रणश्यति यानी अदृश्य होता है। सो यो मा पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामी स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत में अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति को जो भौतिक मोक्ष से भी परे है आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक स्वरूप हो जाता है उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय यानी आत्मविनाश। भक्त कभी भी ऐसी विपता नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता के अनुसार प्रेमांजन नाचूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मच्चित्तन चित्यन्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है क्योंकि वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो पुरुष सब में मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और सबको मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है क्योंकि वो मेरे में ही एक ही भाव से स्थित है। योगी द्वारा सर्वत्र भगवत दर्शन जैसे सागर में लहरें हैं और लहरों के रूप में सागर ही व्यक्त है, इसी प्रकार ऐसा योगी सब में भगवान को ही देखता है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में उसे एक भगवान की ही लीला का दर्शन होता है। इस श्लोक में एक बात और महत्वपूर्ण कही गई है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए तो सब और भगवान ही भगवान है और ऐसे योगी भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। ऐसे योगी के जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उनमें उसका व्यवहार कैसा होता है इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है। अब श्लोक संख्या 31। सर्वभूत स्थितम यह माम भजति
एकत्वं आस्थितः सर्वथा वर्तमानं अपि सहयोगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मा भजतेकत्वमास्थितः सर्वता वर्तमानोऽपि सहयोगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यानी प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित, यह यानी जो माम मुझको भजति भक्ति पूर्वक सेवा करता है, एकत्वम तादात्म्य में आस्थितः स्थित सर्वथा सभी प्रकार से वर्तमान उपस्थित होकर अपि भी सह वह योगी योगी मई मुझ में वर्तते रहता है। तो जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, परमात्मा रूप में कृष्ण जन 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 के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। नहीं, कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति सामृत सिंधु में हुई है। निखिलास्व पयवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि दिक्कालाद्यन वच्छिन्ने कृष्णे चेतु विधाय च तन्मयो भवति शिप्रम जीवो ब्रह्माणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एकोपि सन बहुधा यो भवाति। यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्यार्द रूपमेकं च सूर्यवत् बहु धेयते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही है और एक ही समय अनेक स्थानों में दिखाई देता है, इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ सब में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है वो योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं होता, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। व्यवहार में भिन्नता पर दृष्टि में समता, इस श्लोक में ये बताया गया कि ऐसे योगी द्वारा जो कुछ भी व्यवहार होता है वह सब भगवान के प्रति ही होता है। घटनाएं परिस्थितियां और व्यक्ति बदलते रहते हैं परंतु उनके रूपांतर के पीछे वह केवल एक भगवान को ही देखता है। जिस प्रकार स्वर्ण के आभूषण के रूप और आकार भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के प्रत्येक आभूषण में स्वर्ण ही होता है, इसी प्रकार अभेद दृष्टि प्राप्त योगी प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न भिन्न व्यवहार करते हुए भी वास्तव में अपने चित्त को इस प्रकार स्थिर रखता है कि वह भगवान से ही व्यवहार कर रहा है। जैसे सोने के एक आभूषण को गले में पहनने वाला और दूसरे आभूषण को उंगली में पहनने वाला व्यक्ति
दोनों को ही एक ही तरह मूल्यवान समझता है। उसी प्रकार ऐसा योगी सबके साथ यथोचित व्यवहार करता हुआ अपने मन को इस प्रकार सावधानी से टिकाए रखता है कि वह भगवान के साथ ही व्यवहार कर रहा है। इस श्लोक में एक बात समझना जरूरी है। पिछले श्लोकों में 29वें श्लोकों में ऐसे योगी में समदर्शन की बात कही गई है और 31वें श्लोकों में उसी योगी द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार की बात कही गई है। यद्यपि एक व्यक्ति के शरीर में पैर नीचे होता है और सिर सबसे ऊपर, परंतु चोट चाहे पैर में लगे चाहे सिर पे लगे, दोनों का उपचार एक प्रकार की सावधानी से होता है। पैरों से चलने का व्यवहार किया जाता है और सिर में स्थित मस्तिष्क से विचार करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार व्यवहार में अत्यंत भिन्नता होते हुए भी दोनों अंगों को एक सी ही सावधानी के साथ रखा जाता है। व्यवहार में भिन्नता होते हुए दृष्टि में समता का यही रहस्य है। अभेद भाव से भगवान को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि और उसकी स्थिति से अवगत कराते हुए भगवान सांख्य योगी की दृष्टि और स्थिति की समानता बताते हुए आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।